यार ये हाथी आम से ज्यादा समझदार तो नहीं हो गई। कहानी लॉरेंस एंथनी की है जिसको लोग एलिफेंट विस्परर भी कहते थे। बंदा इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी का काम करता था लेकिन असल में तो उसको अफ्रीकन वाइल्डनेस का शौक था। एक दिन उसको कुछ आवारिया हाथियां संभालने को कहा गया। वो सोचता होगा क्या मैं हाथी का बेबीसिटर लगता हूँ, लेकिन फिर भी उसने हाथियां संभाल ली। उनमें से एक नाना नाम की हाथी थी जिससे उसकी दोस्ती हो गई। सोचो आपका बेस्ट फ्रेंड एक बड़ा वाला हाथी। 2012 में जब लॉरेंस को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे तो सबसे हैरानी वाली बात ये हुई कि वही हाथियां जिनसे वो इतने साल दोस्ती रखा 12 घंटे चल के उसके घर पहुंची और किसी ने भी उन्हें बताया नहीं था। क्या वो व्हाट्सएप ग्रुप में थे? ये हाथियां ऐसे ही बिना बुलाए 2 दिन तक रुकी और उन्होंने लॉरेंस को याद किया और 1 साल बाद वही हाथियां वापस आई। तो अब बताओ क्या ये हाथी हमसे ज्यादा अपडेट है?